वहीं भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हैं और अभी 5:30 बजने वाले हैं और अभी सूरत एक्सप्रेस का आगमन होने वाला है जो कल सूरत से खुली थी। इसके अलावे जैसा कि ज्ञात है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि 31 मार्च तक किसी भी ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा, कोई भी ट्रेन अपने गंतव्य स्थल से नहीं जाएगी और जो ट्रेन पूर्व में अपने गंतव्य स्थल से निकल चुकी है सिर्फ उस ट्रेन के पहुंचने का इंतजार भर किया जाएगा। तो उसको देखते हुए अभी भागलपुर रेलवे प्रशासन की ओर से पूरे प्लेटफार्म को खाली करा लिया गया है। पूर्व में जो विक्रमशिला और कुछ अन्य ट्रेनों से जो यहाँ पर यात्री आए थे उन्हें आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण काफ़ी संख्या में लोग यहाँ प्लेटफार्म पर जमा थे, लेकिन रेलवे प्रशासन ने सूरत एक्सप्रेस के आगमन को देखते हुए कोरोना वायरस से बचाव या किसी भी तरह के संदिग्ध के संपर्क में नहीं आए लोग इसके लिए एहतियात बरतते हुए पूरे प्लेटफार्म को खाली करवा लिया है और यह सभी को सख्त निर्देश और आग्रह भी किया है कि कोई भी अनवांटेड पर्सन या जिसको कोई गैर कर्मी जो भी हैं वो यहाँ पर ना रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, लोग हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग यहाँ पर जो एक दिख भी रहे हैं वो सिर्फ रेलवे कर्मी दिख रहे हैं और सुरक्षा कर्मी भी यहाँ दिख रहे हैं, रेलवे के अधिकारी लगातार दिख रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और यह बताएंगे कि यहाँ पर मेडिकल टीम को तैनात किया गया है जो कि यहाँ पर जो भी रेल यात्री आएंगे वो उनकी जांच करेंगे, जिससे कि अगर किसी भी तरह का कोई संदेह किसी मरीज में मिलता है, कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उन्हें प्रॉपर केयर के लिए अस्पताल या जांच केंद्र में भेजा जा सके। और हम यहाँ पर जानेंगे कि रेलवे के अधिकारी से कि यहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव को लेकर और जो ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया है उसको लेकर के क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। जी सर, क्या दिशा निर्देश आया है? दिशा निर्देश यही है कि जो भी गाड़ी आए उससे जो पैसेंजर उतरे उसका टेस्ट करना हम लोगों को कि पैसेंजर कहीं बीमार तो नहीं या कहीं इन्फेक्टेड पैसेंजर तो नहीं है, उसी का जांच करना है हम लोगों को। तो अभी और जैसे बंद किया गया उसको लेके क्या प्रिकॉशन अपना लिया जा रहा है? 31 मार्च तक सभी गाड़ी बंद कर दी गई है, इसलिए कोई भी पैसेंजर प्लेटफार्म पर एकदम खाली रहेगा, कोई भी आदमी नहीं रहेगा। आज जो भी हम लोग स्टाफ भी रहेंगे तो 1 मीटर की दूरी बना के रहेंगे। तो हम यहाँ पर चिकित्सक की टीम से जो है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है, क्या तैयारी है। जी, हम लोग को ये निर्देश मिला हुआ है कि जो भी बाहर से ट्रेन आ रही है दूर से, सूरत से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, तो सारे पैसेंजरों को जो है कि स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीनिंग करके देखना है कि कहीं कोई संदिग्ध तो नहीं है, उसमें कोरोना का उपस्थिति तो नहीं है। हम वैसे हम लोग को थर्मामीटर दिया गया है, उससे जाँच हम लोग करते हैं और जाँच में यदि हम लोग को जो टेम्परेचर मिलता है 97.8 से ऊपर तो हम लोग उसको जो है कि ट्रेस करते हैं, ट्रेस करके देखते हैं कि कहीं वो कोरोना वायरस का कहीं संदिग्ध मरीज तो नहीं है। यदि इस तरह का पाया जाता है उसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू भेजते हैं आइसोलेशन वार्ड में। अब तक कोई मरीज ऐसा अब तक तो अभी कोई संदिग्ध नहीं यहाँ पर हम लोग को मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन एक सुबह की शिफ्ट में मिली थी जिसे जवाहरलाल नेहरू भेजा गया तो वहाँ भी अभी जो है प्राप्त हुआ कि वो नहीं है अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी तैयारी की गई है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी टीम यहाँ लगातार लगी हुई है और इसके साथ ही पूरे प्लेटफॉर्म के साथ जो भी वेटिंग रूम है सारे सभी जगहों पे सन्नाटा पसरा हुआ है और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई पैनिक क्रिएट ना हो, किसी भी तरीके से कोई समस्या कोरोना वायरस के कारण ना हो, जिससे कि सरकार के द्वारा जो ये पहल की गई है जनता कर्फ्यू का जो एक आह्वान किया गया था माननीय प्रधानमंत्री की ओर से उसको सफल किया जा सके और इसके साथ ही जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ सकें। और इसके साथ ही हम आपको और भी दिखाएंगे कि काफ़ी कई वेटिंग रूम भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे की ओर से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि यात्री जो है पूरी तरीके से सावधानी बरतें और यहाँ वेटिंग रूम को भी आप देख सकते हैं कि पूरा तरह से सन्नाटा पड़ा हुआ है वेटिंग रूम में और लगातार
लगातार मैकिंग करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, रेल कर्मियों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे तरीके से कोरोना वायरस से कोई भी बुरा प्रभाव या कोई इसकी चपेट में आए, जो जिससे कि समस्या और अधिक बढ़ जाए। और इसके साथ ही लगातार रेलवे प्रशासन की ओर से कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं और लगातार 31 तारीख तक ट्रेन नहीं चलने के कारण हालांकि यहां पर यात्रियों में भी काफ़ी मायूसी दिख रही है। कई ऐसे भी लोग मिले, पैसेंजर मिले, जो कि इसको लेकर के काफ़ी परेशान है। लेकिन अगर बात सुरक्षा की हो तो इसको देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी जरूरी गाइडलाइंस हैं हेल्थ से जुड़े हुए उसका पालन किया जाए। और हम लगातार आप सुन भी सकते हैं कि लगातार माइकिंग भी हो रही है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, टीवी भागलपुर।